4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर के बिहिया प्रखंड के बीडीओ सीओ और थाना प्रभारी ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और साथ ही सफाई अभियान में ज्यादा तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। हरा के अलावा बिहिया प्रखंड अंतर्गत कई घाटों का महापर्व छठ को लेकर निरीक्षण किया गया। हमारे बिहिया संवाददाता बबलू कुमार ने बताया कि महापर्व छठ को लेकर बिहिया के कई घाटों के सफाई अभियान जोर शोर से चल रहा है। छठ प्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर बिहिया प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी ने कई छठ घाटों का निरीक्षण कर सफाई अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया। लेकिन यहाँ पर हम चार जगह बनाए हुए हैं, गोलीबाग यहाँ पे, इस कॉर्नर में काली बाबा मंदिर, हाँ वो भी बना, वो पुल के नीचे उस पुल के नीचे वहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे चार जगह हम लोग बनाते हैं। इसके बाद काली माँ का मंदिर में बनता है, सारा बैनर लगेगा ना, क्या सारा लगता है, प्रयास करना संभव तो नहीं है, लेकिन मास्क लोग किस प्रकार की तैयारी की गई है इस बार छठ पूजा को लेकर कोरोना जो महामारी है उसको देखते हुए? इस बार छठ पूजा की जो तैयारी है, हम लोग COVID-19 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पे और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए हम लोगों ने छठ पूजा का पूरा आयोजन किया हुआ है। इसमें मास्क पहन करके लोग घाट पे आएँ, 10 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो घाट पे ना आएँ, जो 60 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं या वो महिलाएं हैं या वो कोई भी हो जिनकी उम्र 60 से ऊपर है वो घाट पे ना आएँ, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रशासन द्वारा क्या चीज़ की व्यवस्था की गई है? प्रशासन के द्वारा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है। हम लोग रेलवे के जो पूर्वी छोर पे जो अस्थाई बैरिकेडिंग कराते हैं उसमें प्रशासनिक सहयोग हम लोग चाहते हैं। प्रशासन यहाँ अभी प्रशासन के अधिकारी अभी जो DK निराला जी थे, CO साहब थे, BDO साहब थे, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और घाट के जो पूर्वी छोर पे जो रेलवे क्रॉसिंग है जिसमें अस्थाई क्रॉसिंग बनता है उसके निरीक्षण के लिए उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने बताया यहाँ की सारी जवाबदेही, विधि व्यवस्था की सारी जवाबदेही वो खुद तय करते हैं, वो संभालेंगे। बाकी हम लोगों ने घाट की व्यवस्था यहाँ दिखाई, यहाँ साफ सफाई, कितनी की संख्या यहाँ पे भीड़ होती है श्रद्धालुओं की? 25-30 हज़ार की भीड़ होती है। उस बीच में आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? एक्चुअली हम लोग लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, हम लोग लोगों से अपील करेंगे या तो हम लोग माइकिंग की व्यवस्था करा कर करें या अब हम लोग अपने माउथ टू माउथ सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हम हर तरह से जैसे भी हो सके हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस COVID-19 के दौर में हम लोग हर तरह से पर्व को मनाएं। जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव को अभी अच्छे से हम लोग फेस किया उसी तरह से हम लोग इसी को भी अच्छे से फेस करें और इसको संपन्न करा दें छठ पूजा से। परिचय बताइए। शंकर केसरी भैया, छठ पूजा समिति।